बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। आर्टिकल 15 में उनका किरदार लोगों को खूब पसंद आया था, लेकिन अब उनकी एक और फिल्म तैयार है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल का भी ट्रेलर रिलीज किया है, लेकिन उसके पहले ही आयुष्मान खुराना की चर्चा काफी होने लगी है। चलिए चलते हैं और बात करते हैं आयुष्मान खुराना के रोल की, कि आखिर क्या रोल निभाने वाले हैं ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना, और आखिर लोग उनके रोल को क्यों पसंद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया, और हाजिर मैं आपके सामने बॉलीवुड से जुड़ी एक और खास खबर लेकर। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 की चर्चा भी खत्म नहीं हुई, कि उनकी अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल की लोग फिर से चर्चा करने लगे हैं। बीते दिनों फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर रिलीज किया गया, उसको लेकर फैंस के रिएक्शन तो काफी अच्छे हैं, लेकिन फैंस को उनकी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है। आयुष्मान की फिल्म ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही अलग है। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक ऐसे लड़के की भूमिका निभा रहे हैं जो एडल्ट कॉल सेंटर में काम करता है और लड़की की आवाज में मर्दों से बात करता है। ट्रेलर की यदि बात करें तो आयुष्मान इस ट्रेलर में एक अलग ही रूप में सबको दिख रहे हैं। फिल्म ड्रीम गर्ल को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म के बारे में एकता कपूर ने एक खुलासा किया है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने इस फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को ही क्यों सिलेक्ट किया, तब एकता ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि आयुष्मान से अच्छा इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता। एकता ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि आयुष्मान इस स्क्रिप्ट के आधार पर अपनी पूरी जान डाल देंगे। आयुष्मान यह नहीं देखेंगे कि फिल्म कितनी बड़ी है, वह स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और इस किरदार को निभाने के लिए हाँ कर देंगे। एकता कपूर के इस डिसीजन को देखते हुए यह लगता है कि उनका यह डिसीजन सही साबित हो गया है। आयुष्मान इस किरदार में बड़े ही शानदार नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आयुष्मान की कई फिल्में हिट हो चुकी है। हाल ही में उनकी फिल्म आर्टिकल 15 रिलीज हुई थी। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। बता दें कि फिल्म ड्रीम गर्ल को राज शाडिल्य डायरेक्ट कर रहे हैं और एकता कपूर, शोभा कपूर और आशीष सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना के साथ इस फिल्म में नुसरत भरूचा नजर आएंगी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 13 सितंबर को रिलीज होगी। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल में अपनी एक्टिंग के जरिए क्या धमाल मचाते हैं। तो ऐसी खबरों को लेकर मैं आपके सामने हर रोज हाजिर होती रहूंगी। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।